दोस्तों, सलार के बाद प्रभास का नाम सुर्खियों में ऐसा छाया हुआ है कि आने वाली जो भी प्रभास की मूवीज हैं, उनसे हर किसी को बहुत ज्यादा उम्मीद है और सच कहूँ तो मुझे भी है। जैसा अभी जो नेक्स्ट मूवी होने वाली है प्रभास की, प्रोजेक्ट कल्कि 2898 AD, उसका भी कहीं न कहीं अच्छा बस बना हुआ है। कुछ टाइम पहले टीजर आया तो टीजर को मिले मिक्स रिव्यू, लेकिन एक बात गौर करोगे तो कल्कि के टीजर से पहले प्रभास की फिल्म आई थी आदि पुरुष, जो बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। एंड आदि पुरुष के बाद प्रभास इतने ट्रोलिंग में आए थे कि हर किसी ने मान लिया था कि भैया अब तो प्रभास से भरोसा उठ सा गया है। अभी फिलहाल में रिलीज हुई फिल्म सलार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर जो प्रभास की फिल्मों में कमी निकाल रहे थे, उन सबका मुंह बंद हो चुका है। वो बात अलग है कि प्रभास ने बिना किसी डायलॉग के सिर्फ एक एक्सप्रेशन में पूरी फिल्म निकाल दी, फिर भी फिल्म ऑडियंस को पसंद आई और अच्छा कलेक्शन किया, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लगी। अपनी अपनी पसंद होती है भाइयों वो तो। लेकिन बात करें प्रभास की आने वाली फिल्म कल्कि के बारे में, तो जैसा इसका कॉन्सेप्ट है, पीड़ित दुनिया को बचाने आया एक नया मसीहा। साइंस फिक्शन फिल्म होने वाली है ये, और पता नहीं क्यों मुझे इस फिल्म से गणपत मूवी जैसी वाइब आ रही है, जो कि अभी टाइगर श्रॉफ की गणपत मूवी आई थी, काफी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है। इसका भी कॉन्सेप्ट समथिंग कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब देखते हैं कि इस फिल्म में क्या कुछ ऐसा मिलता है जो ऑडियंस पसंद करे और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन करे। जबकि गणपत मूवी में भी अमिताभ बच्चन थे एंड इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन है, बस इस फिल्म के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि सलार के बाद प्रभास से सभी को उम्मीद काफी ज्यादा है। लेकिन एक डर ये भी है कि सलार से पहले लगातार बैक टू बैक 3 फिल्में फ्लॉप दे चुके हैं प्रभास, बस इस बार कल्कि के साथ ऐसा ना हो और उनके नाम का सिक्का दोबारा फिर चल जाए, देखना काफी दिलचस्प होगा। वेल, मैं यही दुआ करता हूँ कि इस फिल्म के साथ ऐसा ना हो, ये फिल्म भी सलार की तरह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन करे। और आपको क्या लगता है कल्कि मूवी के बारे में, आपकी जो भी राय हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि फिल्मों से जुड़ी हर खबर मिलती रहेगी आपको फिल्मी फीलिंग पर।